ईशान किशन की धुआंधार वापसी, दिलीप ट्रॉफी में शतक से किया वापसी का ऐलान, बल्ले से कर दी चौके छक्कों की बरसात, तूफानी पारी खेलकर ठोक दिया आतिशी शतक। पिछले एक साल से टीम इंडिया से बाहर चल रहे ईशान किशन ने दिलीप ट्रॉफी में तूफानी शतक ठोककर अपनी दमदार वापसी का ऐलान कर दिया है। विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन ने घरेलू क्रिकेट में धमाकेदार कमबैक किया है। खास बात यह रही कि उनका नाम टीम में नहीं था, लेकिन फिर भी उन्हें प्लेइंग 11 में शामिल किया गया और ईशान किशन ने अपनी टीम को निराश नहीं किया और उन्होंने तूफानी शतक जड़ दिया। दिलीप ट्रॉफी का पहला मैच ईशान किशन अपनी चोट की वजह से नहीं खेल पाए थे, लेकिन दूसरे मैच में मैदान पर आते ही ईशान किशन ने अपना जलवा दिखाया और चौके छक्कों की बरसात करते हुए गेंदबाजों का हलवा बना दिया। उन्होंने दमदार शतक ठोक दिया। हालांकि वो इस मैच में एक बल्लेबाज के तौर पर खेलेंगे, क्योंकि विकेटकीपर के तौर पर उनकी टीम में अभिषेक पोरेल खेल रहे हैं। ईशान किशन ने नंबर 4 पर खेलते हुए ये तूफानी शतक जड़ा है। क्यों खास है ईशान किशन की ये सेंचुरी? 120 गेंदों में 14 चौके और 2 छक्कों की मदद से ईशान किशन ने अपने फर्स्ट क्लास करियर का 7वां शतक ठोक दिया। वे इस समय बल्लेबाजी करने आए थे जब उनकी टीम के कप्तान ऋतुराज गायकवाड रिटायर्ड हर्ट होकर पवेलियन लौट गए थे और फिर एक छोटी सी साझेदारी के बाद लगातार बैक टू बैक 2 विकेट गिर गए। इसके बाद उन्होंने बाबा इंद्रजीत के साथ पारी को आगे बढ़ाया और टीम के लिए अहम मौके पर शतक जमाया। ईशान किशन दिलीप ट्रॉफी के पहले मैच में चोट की वजह से नहीं खेल पाए थे और दूसरे मैच के लिए भी उनकी फिटनेस पर सस्पेंस बना हुआ था, लेकिन दूसरे मैच से ठीक पहले ईशान किशन पूरी तरह से फिट हो गए और इसके बाद उन्हें प्लेइंग 11 में शामिल किया गया और प्लेइंग 11 में आते ही ईशान किशन ने अपना जलवा दिखा दिया और तूफानी बल्लेबाजी करते हुए आतिशी शतक ठोक दिया। क्या अब होगी टीम इंडिया में वापसी? ईशान किशन का यह शतक इसलिए भी खास है क्योंकि उन्होंने 2 साल के बाद फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सैकड़ा जड़ा है। ईशान किशन ने मैदान पर उतरते ही अपना जलवा दिखाया। ईशान ने इंडिया बी के गेंदबाजों की जबरदस्त धुनाई की। जो भी गेंदबाज मैदान पर आता पिटकर ही जाता। ईशान किशन ने खास तौर पर स्पिन गेंदबाजों को अपने निशाने पर लिया। वॉशिंगटन सुंदर को उन्होंने बेहतरीन अंदाज में खेला और मौका मिलने पर उन्होंने किसी भी कमजोर गेंद को नहीं बख्शा। ईशान किशन के लिए क्यों अहम है दिलीप ट्रॉफी? ईशान किशन के लिए दिलीप ट्रॉफी टूर्नामेंट बेहद ही अहम है क्योंकि वो पिछले काफी समय से टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं और अगर इस टूर्नामेंट में वो अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो टीम इंडिया के सेलेक्टर्स उनके नाम पर आगे विचार कर सकते हैं। वैसे ईशान किशन ने हाल ही में बूची बाबू टूर्नामेंट में भी खेला था और वहां पर भी उन्होंने अपने बल्ले का दम दिखाते हुए शानदार सैकड़ा जमाया था। अब बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में उनका सिलेक्शन तो नहीं हुआ, लेकिन T20 सीरीज होनी अभी बाकी है क्योंकि भारत को टेस्ट सीरीज के बाद बांग्लादेश के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज खेलनी है और अगर ईशान किशन दिलीप ट्रॉफी में बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं तो फिर उन्हें 3 मैचों की होने वाली T20 सीरीज के लिए टीम में मौका दिया जा सकता है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, ईशान किशन की इन तूफानी पारियों को देखने के बाद क्या उन्हें टीम इंडिया में कमबैक करना चाहिए? क्या ईशान किशन को बांग्लादेश के खिलाफ होने वाली T20 सीरीज के लिए टीम में मौका मिलना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। इसके साथ ही साथ क्रिकेट की ताज़ातरीन खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।